नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें हम लोग 13 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। 13वां चैप्टर था आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, याद रखिए। आज बात करेंगे शब्द संक्षेप के बारे में। आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म होते जा रहे हैं, वो सभी कंप्लीट कंप्यूटर क्लास के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। याद रखिए, ये 15 चैप्टर प्लस 25 से 30 मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का। और जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, फिर चाहे वो लिखित में हो या फिर ऑब्जेक्टिव रूप में, आप सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो शब्द संक्षेप हम लोग देख लेते हैं। कई बार पूछ लेता है, बैंक एग्जाम में आपका अधिकतर पूछता है शब्द संक्षेप। एडी, एडी का फुल फॉर्म होता है एक्टिव डायरेक्टरी। एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एडीपी, ARP, ADC का तो देख लिया हम लोगों ने, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ARP, एड्रेस रिजुलेशन प्रोटोकॉल। ASP क्या है? ASP, एक्टिव सर्वर पेज। AH, एक्टिव हब। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AL, एक्टिव लिंक। एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। AM, एक्टिव मॉनिटर। AN, SI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। APCI, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। API, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM क्या है? ATM, सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ADF, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फोल्डर। BINAC, वाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BBC, BBC, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BMP, बिटमैप बेसिक मल्टी लिंगुअल प्लेन। BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक, बेसिक बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BCD क्या है? PCD, वाइनरी कोडेड डेसिमल। BCR, बार कोड रीडर। BER, बिट एरर डी रेट। BIN, बाइनरी। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B2C, बिजनेस टू कॉमर्स। BIT, बाइनरी डिजिट। ब्लॉक, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। ब्लॉक, बे ब्लॉक। BPI, विट्स पर इंच। BPS, विट्स पर सेकंड। BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। BPEL, बिजनेस प्रोसेस एग्जीक्यूशन लैंग्वेज। आगे बात करते हैं हम लोग CC, CC का फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी। CMOS,
कॉम्प्लीमेंट्री मेंटल मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर CAD कंप्यूटर एडिड डिजाइन क्लास कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज CD कॉम्पैक्ट डिस्क CO MAL कॉमल इसका अर्थ होता है फुल फॉर्म क्या होता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CRT कैथोड रे ट्यूब CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट CU कंट्रोल यूनिट CUA कंट्रोल यूजर एक्सेस CTCP क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल CD-ROM क्या है CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल CDR या फिर RW कंपैक्ट डिस्क रीड या फिर राइट ठीक है CG कंप्यूटर ग्राफिक्स CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस इनके फुल फॉर्म आपको याद रखना है फिर से बता देता हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में वन डे एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं ठीक है CIFS कॉमन इंटरफेस फाइल सिस्टम और वैसे भी आपको जनरल नॉलेज के लिए हर किसी का फुल फॉर्म याद होना चाहिए क्योंकि अब अधिकतर इनका शॉर्ट ही नेम लिखा जाता है इसलिए उसके बारे में आपको याद तो होना चाहिए पता होना चाहिए आखिर क्या है कॉम COM कॉमन ऑब्जेक्ट मोड CLR कॉमन लैंग्वेज रन टाइम CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस DAC डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर DAP डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल DB डाटाबेस DBA डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर DMMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DCC डायरेक्ट क्लाइंट कनेक्शन DCL डिजिटल कमांड लैंग्वेज DFD डाटा फ्लो डायग्राम DFS डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज DLL डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी DLP डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग DMA डायरेक्टरी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस DNS डोमेन नेम सिस्टम DPI डॉट्स पर इंच DRAM डायनेमिक रैंडम एक्स मेमोरी एक्सेस मेमोरी ठीक है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फिर डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज ठीक DSL की ये फुल फॉर्म है दो DSN डाटाबेस सोर्स नेम DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग DVD डिजिटल वीडियो डिस्क डिजिटल वर्स सेटेलाइट डिस्क फिर आपका DVD-R डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल फिर आपका DVD-ROM DVD रीड ओनली मेमोरी DVD-RW राइटेबल
DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, EBCDIC एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, E-commerce इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, EDU एक्सटेंडेड डाटा यूनिट। फिर आपका EDP इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। फिर आपका EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फिर आपका EEPROM इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EGA इनहांस्ड ग्राफिक्स एरे। फिर आपका ELM ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENIC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EOF एंड ऑफ फाइल। EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। EXE एग्जीक्यूटिबल। EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EOL एंड ऑफ लाइन। फिर आपका FAP फोर्टेन असेंबली प्रोग्राम। FAX फैक्स फार अवे जीरोक्स। FDC फिलोपी डिस्क कंट्रोलर। FDD फिलोपी डिस्क ड्राइव। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। FORTRAN फार्मूला ट्रांसलेशन। FPU फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FS फाइल सिस्टम। FS को क्या बोलते हैं? फाइल सिस्टम। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FPS फ्रेम पर सेकंड। FLOPS फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। GB गीगाबाइट। GB समझ लीजिए जी, ये तो आपके वैसे भी हर भारतीय के, मुझे लगता है दुनिया में GB तो सबको पता है कि GB कुछ डाटा से संबंधित है, लेकिन इसका फुल फॉर्म अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा, तो आपको याद रखना है गीगाबाइट। GB गीगाबाइट हो गए, गीगाबाइट ठीक है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GMS ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। फिर आपका HLL हाई लेवल लैंग्वेज। HPFS हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HP हेवलेट पैकर्ड। HSM हेराइडिकल स्टोरेज मैनेजमेंट। HTM हेराइडिकल टेम्पोरल मेमोरी। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस तरह के आप लोग शब्द याद रखिए, क्योंकि ये अधिकतर पूछे जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ठीक है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आपका HTX हाइपर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंशन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IES इंफॉर्मेशन सिस्टम।
IM इंस्टेंट मैसेज, IM AP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करते हैं हम लोग IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, IRO इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISOC इंटरनेट सिक्योरिटी इंटरनेट सोसाइटी है, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISR इंटरप्ट सर्विस रूटीन, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, JS जावा स्क्रिप्ट, JSP जावा सर्वर पेजेज, JUG जावा यूजर्स ग्रुप्स, KB किलोबाइट, के याद रखना है यहाँ, क्या याद रखना है इसमें, अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं, KB जब आपका स्मॉल हो तो उसे किलोबिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं किलोबिट, और जब इस कैपिटल हो KB तो इसे किलोबाइट कहते हैं, ठीक है याद रखिए इस पॉइंट को। KHZ किलोहर्ट्ज, KBPS किलोबाइट पर सेकंड, KVM स्विच कीबोर्ड PDO एंड माउस स्विच, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी शब्द आप लोगों ने अधिकतर सुना होगा, LCD ये तो सुना ही होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LDO लिक्विड डिस्प्ले यूनिट, LED लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। इस तरह के जो भी शब्द रहा करेंगे चर्चा में उन्हें याद रखना है आपको, क्योंकि उन्हीं में से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। LIFO लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, LPI लाइन पर इंच लाइंस पर इंच, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, LIPS लिस्ट प्रोसेसिंग, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MB मेगा बिट। अब देखिए फिर यहाँ से आ गया, जब एक कैपिटल हुआ करेगा तो आपका मेगाबाइट हुआ, और जब भी कैपिटल है स्मॉल है यानी कि तो मेगाबिट, और कैपिटल मेगाबाइट, ठीक है। ऐसे MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, MSC मीडिया एक्सेस कंट्रोल, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MSN माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, फिर आपका MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस,
को कार्ड NIO, न्यू इनपुट आउटपुट, न्यू इनपुट आउटपुट। फिर आपका NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपका ODBC, ओपन डाटा बेस कनेक्टिविटी। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। OPML, आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप लैंग्वेज। OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। P2P, पीयर टू पीयर। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये तो सुना होगा आपने, पैन। फिर आपका पैप, पैन कार्ड सुना होगा ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PAP, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। PC, पर्सनल कंप्यूटर। PCL, फ्रंटेंड कमांड लैंग्वेज। PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDL, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। PGA, पिन कार्ड एरे, पिन कार्ड एरे। PIO, प्रोग्राम इनपुट आउटपुट। PLA, प्रोग्रामल प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे। फिर है आपका PL1, इसे क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वन। PNP, प्लग एंड प्लग। POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। PPC, पावर PC। PPM, PPM पेजेज पर मिनट। PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। फिर आपका PPTP, इसका पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। PSU, पावर सप्लाई यूनिट। पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPM, पेजेज में पर मिनट। रहे आपका QDR, क्वेड डेटा रेट। QFP, क्वेड फ्लैट पैकेज। QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। QBI, क्वेरी बाय एग्जाम्पल एग्जाम्पल। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। RARP, रिजर्व एड्रेस रेगुलेशन प्रोटोकॉल। रेट, रेट रिमोट एक्सेस ट्रोजन। DRDBMS, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रे आपका RIP, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम, ROMB, रोम रीड आउट मदरबोर्ड। RPG, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। SaaS, सॉफ्टवेयर एज सर्विस। SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। SCSI, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SDL, सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। SDR, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
आपका एस एन ओ बी ओ एल स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, एस पी सर्विस पैक, एस क्यू एल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस बी डी स्ट्रक्चर्ड बी एल एस आई डिजाइन, एस एन एम पी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर आपका टीडीएमए टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टीटीए ट्रो टैप आइडियो, टीटीएफ ट्रो ट्राइब फैंड, टीटीपी टेक्स्ट टू स्पीच, टीटी बाई टेली टाइप, टीएफटी थिन फिल्म ट्रांसिस्टर, टीबी टेराबाइट, टीबी को क्या बोलते हैं टेराबाइट, यूएसी यूजर अकाउंट कंट्रोल, यूआई यूजर इंटरफेस, यूएल अपलोड, यूपीएस यूपीएस अनइंटरप्रिटेबल पावर सप्लाई, यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएन यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम, यूएसपी यूनिफॉर्म सीरियल बस, यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटरग्रेशन, यूनिबैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूटीपी अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर बार वेरिएबल, बीबी विजुअल बेसिक, बीडीडी वर्चुअल डिवाइस ड्राइवर। फिर आपका बीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे, बी लैन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, बीएम वर्चुअल मेमोरी, बीएमएस वीडियो मेमोरी सिस्टम, बीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बीटी वीडियो टर्मिनल, बीएसएनएल क्या है बीएसएनएल विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीडीयू विजुअल डिस्प्ले यूनिट, बीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बीरैम वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी ये तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, वाईमैक्स वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। फिर आपका बिंस डब्ल्यू आई एन एस विंडो इंटरनेट नेमिंग सर्विस, डब्ल्यू बी लैन डब्ल्यू एल ए एन वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, डब्ल्यू एम ए वायरलेस मीडिया आइडियो, डब्ल्यू एम बी वायरलेस मीडिया वीडियो, डब्ल्यू पी ए वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। अगर आपको लगे कि स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या स्पीड में बता रहा हूँ तो आप स्पीड भी कम कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी सुविधा है कि स्पीड कम और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो आपका डब्ल्यू डब्ल्यू ए एन वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क,
पर्याप्त डब्लू डब्लू आई डी वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर डब्लू 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 वर्ल्ड वाइड वेब डब्लू डब्लू सॉरी डब्लू एल एल वायरलेस लोकल लूप बॉर्म डब्लू ओ आर एम राइट वंस रीड मैन मैनी एक्स ए एम एल एक्सटेंसिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज एच टी एम एल एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक्स एम एल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एक्स एन एस जीरोक्स नेटवर्क सर्विस फिर आपका एक्स सी यू एल इसे क्या कहते हैं एक्स एम एल यूजर इंटरफेस लैंग्वेज बाई टू के ईयर 2000 जेड आई एफ एस जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट जी आई पी जॉन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल जी आई एस सी जॉन इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर जेड एम ए जॉन मल्टी कास्ट एड्रेस पर आपका जेड एन ए जॉन नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन जी बी जेटाबाइट जेड ए डब्ल्यू जीरो एडमिनिस्ट्रेशन फॉर विंडो विंडोज। तो ये थे आपके कुछ कंप्यूटर से संबंधित कुछ संक्षिप्त नाम उनके और उनकी फुल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे लिए एक चैप्टर और बचता है जो आपका कंप्यूटर शब्दावली है, इन्हें भी कभी कभी पूछ लेता है। तो ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपके जितने भी चैप्टर थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद हमारे बचेंगे मॉक टेस्ट, उन्हें भी हम लोग लगाएंगे। ठीक है।